मुझे ना यहाँ पे घर में अकेले में बहुत डर लग रहा है। तुम लोग बस जितना जल्दी हो सके प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ किन टेक्निक का प्रयोग किया गया था मूवी कॉन में? किस मूवी से डेब्यू किया था अनुराग कश्यप ने? साल था 1999, इससे पिछले साल ही राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या ने रिकॉर्ड बनाए थे, जिसका खुमार अभी उतरा ही नहीं था कि अनुराग कश्यप ने इन्हें और एक कहानी पर काम करने को बोला। अनुराग उस समय नए राइटर थे। इस फिल्म का नाम पड़ा कौन, जो कि 1999 में रिलीज हुई थी। इसमें उर्मिला मातोंडकर, सुशांत सिंह ने लीड रोल में काम किया था। उर्मिला को 1980 में फिल्म कलयुग से बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली मातोंडकर ने फिल्म नरसिम्हा में एक वयस्क अभिनेत्री के रूप में डेब्यू किया। रंगीला, जुदाई और सत्या जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के साथ उन्होंने खुद को मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। इन तीनों ही फिल्मों को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इसके बाद तो उन्होंने लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली फिल्मों की एक लंबी लिस्ट में काम किया। इनमें कौन, प्यार तूने क्या किया, भूत और एक हसीना थी प्रमुख है। कौन, ये एक हॉरर थ्रिलर है। इसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि उर्मिला घर में फोन पर अपने घर बात कर रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वो जब दरवाजा खोलने जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता है, लेकिन एक खूनी घर में चुपके से घुस जाता है जो उर्मिला को पता नहीं चल पाता है। इस फिल्म में एक भी गाना नहीं था, फिर ये उस टाइम की बेहतरीन मूवी में से एक थी। आज इस फिल्म को तकरीबन 22 साल हो गए है। ये फिल्म बॉलीवुड में एक डिजास्टर जैसी काम की। अगर आज आप नेटफ्लिक्स पर राधिका आप्टे को देखकर दंग रह जाते हो तो एक बार आपको फिल्म कौन की उर्मिला को भी देखना चाहिए, जिसके हाव भाव उनकी अन्य मूवी से अलग थे। इस फिल्म में एक अलग तरह की नई टेक्निक का प्रयोग किया गया था, जो उस टाइम के लिए नई और क्रांति ला देने वाली थी। अगर आज तक आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आपको ये देखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मूवी 15 दिनों के शूट में तैयार हो गई थी, इसलिए उर्मिला की एक्टिंग और अन्य कास्ट की बारीकियों को देखने के लिए ये फिल्म एक बार देखी जानी चाहिए।